हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी गले में मेरे जो है थोड़ा सा सुधार होना शुरू हुआ है, मेरी वॉइस जो है वो थोड़ी सी क्लियर निकल रही है और मुझे अच्छा लग रहा है। साइड में बगल में ही थोड़ी सी लोकल मार्केट है, सिद्धि के स्कूल का कुछ क्राफ्ट का सामान लेना है और सिद्धि और राघव जा रहे हैं। तो इधर ये देखो, हम लोग पहुंच गए थे स्टेशनरी शॉप पर और मैं जो है स्कूटी लेकर के आई थी क्योंकि मुझे लगा था कि अगर इस वाली शॉप पे नहीं मिलेगा, एक्चुअली ये शॉप जो है वो हमारी सोसाइटी के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना था, तो मुझे लगा था कि अगर पास में यहाँ पर नहीं मिलेगा तो मुझे आगे जाना होगा, तो जिसके लिए स्कूटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सिद्धि और राघव स्कूटी से आ गए थे और चार्ट पेपर वगैरह ले लिया और अब घर पहुँच गए थे। तो सिद्धि की टीचर ने कुछ मेजरमेंट दिए हुए थे, अलग अलग चार्ट पेपर अलग अलग साइज़ का सर्कल शेप में कट करके भेजना था। कुछ तो एक्टिविटी थी, 15 अगस्त आने वाला है तो उसके रिगार्डिंग जो है ना कुछ एक्टिविटी शायद स्कूल में होने वाली है, तो वही सब था। कुछ क्राफ्ट वर्क के लिए जो है स्कूल में ये कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और इधर आज संडे के दिन चल रही थी तैयारियाँ कुछ खास बनाने की, तो संडे के दिन लगा दिया था हस्बैंड को काम पे कि आज किचन की ड्यूटी जो है वो आपकी है, किचन आप संभालो। तो वो भी खुशी खुशी जो है एकदम दिल से जुट गए थे बनाने में। एक्चुअली आज हम लोग बना रहे थे मिसल पाव, ये एक महाराष्ट्रियन डिश है। एक दिन तो काम कर ही लेना चाहिए, एटलीस्ट पूरा हफ्ते भर मिल जाता है खाने का दिन काम करने के बाद। अच्छा, तो जो महाराष्ट्र में रहते हैं या जो उधर साइड गए होंगे तो वो बड़ा पाव मिसल पाव ये सब तो बहुत ही खाते होंगे क्योंकि उधर का तो फेमस है कोल्हापुरी मिसल पाव या बड़ा पाव हो गया। एक्चुअली जब तक हम वहाँ पर रहते थे ना तो ये हम टूट कर खाते थे, मुझे बड़ा पसंद है। तो आजकल टमाटर के भाव एकदम आसमान छू रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि टमाटर ना खरीद के उसकी खरीद ली जाए प्यूरी जो ठीक थी। क्या हो गया राघव, ये बेडशीट मेरी धुलने के लिए रखी हुई है, अभी सो के उठा है तो और आज गर्मी में इनका काम करके बुरा हाल है। अभी अभी हम बंद किए इसे, नहीं इतना गर्मी नहीं, आज बारिश हुई। तो आज मुझे ऑलमोस्ट जो है किचन के काम से थी छुट्टी, तो मैं इधर राघव उठ गए थे और सिद्धि भी उठ गई थी, तो हम इधर बेड क्लीन करने लगे थे। हम क्या जब तक हस्बैंड बना रहे हैं तब तक हम क्लीनिंग का काम कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे एक काम तो निपटा रहे। तो यहाँ पर राघव जो है वो जिद कर रहा है कि मुझे हटाना है चादरें, मुझे हटानी है। एक्चुअली जब तक बच्चे छोटे रहते हैं ना तब तक उनका काम करने का बड़ा मन करता है और जब बड़े हो जाते हैं तो कहते रहो नहीं सुनते। तो इधर जो है ऑलमोस्ट मिसल पाव का जो है मिसल बन करके रेडी था और इधर राघव जो है वो तीखा खा ना पाता, तो हम उसके लिए जो है डोसे का बैटर रखे थे और उसके लिए बना रहे थे अनियन डोसा, जो कि वो इसलिए खा लेता क्योंकि जो है मिसल पाव जो होता है ना थोड़ा सा स्पाइसी डिश है, बट हम लोग इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे। और ये है हमारा मिसल पाव और साथ में इसके फर्शर कहते हैं, ये मिसल का फर्शर और ये है पाव और इधर राघव का डोसा और इधर है राघव और सिद्धि खा रही है। एक डोसा उनके लिए भी बनाया था मैंने और इधर बस अब तैयारियां हैं कि कितनी जल्दी खा लें। एक्चुअली एक बहुत लंबे टाइम के बाद जो है मुझे ये डिश ना बहुत पसंद है और बहुत लंबे टाइम के बाद हम इसे खा रहे थे, मैंने हस्बैंड से कहा कि चलो बना ही लेते हैं। और ये देखो शाम को कोलकाता का वेदर कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है, मतलब एकदम घने बादल हैं और बारिश अभी अभी हो करके बंद हुई है और हम लोग आ गए थे छत पर, देखा थोड़ा सा मौसम का जो है मज़ा उठा लिया जाए, नीचे से थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो ऊपर आकर के देखा तो एकदम मस्त मौसम है और जो है बस थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर टहले, थोड़ा सा इंजॉय किए और फिर चल दिए नीचे। आज कुछ शाम के जो है स्नैक्स में कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये रखा है मैंने बेबी कॉर्न जो है वो बॉयल होने के लिए, आज ये स्नैक्स में बनाने वाले हैं, सूप ही नहीं रहेगा, ये ड्राइड बेबी कॉर्न रहेगा। तो उसके लिए मैंने इसे जो है थोड़ा सा रखा है बॉयल होने के लिए, साथ में इसमें थोड़ा सा मैंने डाला है शुगर क्योंकि बेबी कॉर्न में थोड़ी सी स्वीटनेस रहती है ना तो वो अच्छा लगता है। और इसको जो है 100% कुक भी नहीं करना है, आप इसको 50% ही कुक करना क्योंकि इसके बाद जब ये फ्राई होगा तो बाकी का बचा हुआ 50% जो है ना वो उसमें कुक हो जाएगा। उबाल आए बस उसके बाद उसको बंद कर देना है। तो यहाँ पर मैंने साथ में रख दी है चाय और यहाँ पर मेरा जो बेबी कॉर्न है वो भी बॉयल हो चुका है 50%। अब इसे जो है हम छान लेते हैं
इसका पानी हटा देंगे ना, तब तो इसमें फिर चीज़ों को मिलाना है, ऐड करना है मुझे। अब इसके पानी को मैंने निकाल लिया है और इसको ठंडा नहीं करना है, ऐसे ही बेबी कॉर्न आपका गर्म रहेगा तभी इसमें जो है मैदा एंड कॉर्न फ्लावर को ऐड करना है। और मैदा अगर आपने लिया है आधा कप तो आपको कॉर्न फ्लावर उसका 3x लेना रहेगा, यानी 3 गुना ज़्यादा कॉर्न फ्लावर लेना रहेगा। तो और इसको गर्म गर्म ही करना है जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए, कॉर्न फ्लावर और मैदा और जो और भी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आप इसमें ज़रा सा ही नमक डालना है, चाट मसाला डाल सकते हैं और ब्लैक पेपर डाल सकते हैं और जो भी आपको मतलब जो ठीक लगे मसाले में आप वो डाल सकते हैं। ऐसा हम मेज़रमेंट नहीं कर रहे हैं, मैंने इस मैदे को चाला था और वापस से इसमें भर के रख दिया था फ्रिज में, तो हम ऐसा मेज़रमेंट नहीं कर रहे हैं, अंदाजे के साथ ऐसा कर ले रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं, तो मुझे इससे ही आइडिया लग जा रहा है कि मुझे कितना मैदा लेना है और कितना फिर कॉर्नफ्लावर लेना रहेगा। तो मैंने अभी जो है बाइंडिंग के हिसाब से इसमें ये देखिए इतना मैदा लिया है, ये होगा आधी कटोरी से भी ज़्यादा होगा। और ये है कॉर्नफ्लावर, इसको भी हम लेंगे जो है, इसका 3 गुना तो लेना ही रहेगा, इसको भी अंदाजे से ऐसा डाल लेते हैं और इसके बाद इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे सारी चीज़ें जो मैंने चिली फ्लेक्स तो नहीं डाल रहे हैं क्योंकि बच्चों को खाना है जिसमें चिली फ्लेक्स वो नहीं खा पाएंगे, तो इसको गर्म गर्म ही पहले हम इसकी बाइंडिंग कर देते हैं जिससे कॉर्नफ्लावर और मैदा जो है बेबी कॉर्न में अच्छे से लिपट जाए इसके अंदर और ये सेट हो जाए। और अगर बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का है तो आप एक में दो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बड़ा बड़ा ही फ्राई करें। तो यहाँ पर जो है मेरा जो थोड़ा बड़े साइज़ के थे उनको मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया है, मेरा गला अभी तक नहीं सही हुआ है इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाकी बस आपके प्यार के लिए मुझे बोलना ही है। तो ये मैंने बाइंड कर लिया है अच्छे से और अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हम डाल देते हैं चाट मसाला और डालेंगे हम इसमें जीरा पाउडर थोड़ा सा डाल देते हैं और हैंड वॉश करके हम पहले पियेंगे अपनी चाय, और चाय पीने के बाद तब तक मैं जब वापस आएंगे तो ये मेरा सेट भी हो चुका रहेगा। कर देंगे इसको कवर और अलग रख देंगे हटा के। ये मेरा आ गया कप और जिसमें हम छानेंगे चाय को और पियेंगे अपनी शाम की चाय जिसको हम मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर बेबी कॉर्न अभी बनाएंगे तो वो थोड़ा सा स्पाइसी या चटपटा, ऐसा मैंने सोचा कि बच्चे का अलग कर देंगे, राघव का ही है, सिद्धि ऑलमोस्ट खा लेती है हल्का फुल्का, उसने शुरू किया है और राघव का तो एकदम प्लेन चाहिए, तो मैंने क्या सोचा कि जो है थोड़ा सा अलग उसका रहने देंगे और बाकी अपने लोगों में मिला लेंगे मसाले। तो मेरा जब तक उधर मसाला सेट हो रहा है तब तक हम जो है इधर बैठ के पियेंगे चाय। तो इधर रूम में चल करके देखते हैं कि आखिर इन लोग का जो है चल क्या रहा है। तो यहाँ पर सब बैठे हुए हैं नीचे, एक्चुअली ये मेरा बेड है इस पर सब नीचे बैठे हैं, ये मैंने दिन के लिए बेड लगाया है और रात के लिए ये ऊपर का है। तो चिमनी में आ गई है पता नहीं क्या प्रॉब्लम और ये हो नहीं रही है ऑन, ऐसा 2-3 दिन पहले हुआ था फिर, लेकिन जो है बोर्ड से कुछ आज मैंने सही वही किया था तो दिन में सही हो गया था और फिर आ गई है इसमें प्रॉब्लम। अगर ये जो है पूरा ओवर कुक रहेगा तो ये टूट जाता है, तो मेरे जो थोड़े थोड़े नीचे भगोने में थे ना बेबी कॉर्न तो वो ज़्यादा ओवर कुक हो गए और ऊपर वाले जो है वो थोड़ा ठीक टेम्परेचर में, या फिर पता नहीं फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो मैंने जो ये मैरिनेट करके रखा हुआ था वो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा देर के लिए हो गया, क्योंकि हम चाय पीने चले गए थे वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो यहाँ पर चाय वाय पीने के बाद हम अपने काम को जो है आगे बढ़ाते हुए बेबी कॉर्न को जो है फ्राई कर रहे हैं और जो इसको जो है थोड़ा सा सेलो फ्राई करना था, और एक्चुअली चिमनी ना चलने की वजह से ना जो सारा ऑयल था वो ऐसा लग रहा था कि सारा फेस पे आ रहा था, तो वही हम बार बार बोर्ड चेक कर रहे थे और जो इसका प्लग चेक कर रहे थे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर हुई, क्योंकि एक्चुअली मॉर्निंग में क्या हुआ था ना हम जैसे ही उसको लगा के स्विच ऑन किए तो एक बार तो चल गया था बड़े अच्छे से और अब ऐसा ये नहीं चलने की वजह से जो है पूरा ऑयल वगैरह पूरे किचन में फैल रहा है और जो है एक दो बार इसकी लाइट जो है वो ऑन हुई थी, तो इसका मतलब कि इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है और मुझे लग रहा है जो वो बोर्ड लगा जिससे ये कनेक्टेड है ना उसमें फॉल्ट हो गया है।
तो अब चेक करवाना पड़ेगा बोर्ड को कि बोर्ड में आके क्या प्रॉब्लम हो गई है। अब ऐसा होता तो इसकी लाइट ऑन रहती थी तो ये नीचे इसमें डिश में दिख जाता था कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, बट अभी जो है हम लोग को ऐसे ही देखना पड़ेगा। अब कढ़ाई के ऊपर प्रॉपर लाइट ना पड़ने की वजह से मुझे जो इसको उठा उठा के दिखाना पड़ रहा है। खुशबू इतनी जबरदस्त आ रही थी ना पूरे घर में कि हस्बैंड से रुका ही नहीं गया, वो देखने चले आए कि आखिर जो है बन के तैयार भी हुआ या फिर नहीं। तो वही हम कह रहे थे कि हाँ बन करके रेडी हो गया। चिमनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से थोड़ा सा ऑयल जो है वो फैल रहा है, तो अब बोर्ड या तो सही कराना पड़ेगा या तो कुछ तो कराना पड़ेगा क्योंकि बिना उसके तो नहीं चल पा रहा है। और इधर राघव भी चला आया था तो पब्लिक की डिमांड पे मैंने बनाया है ये, पब्लिक नहीं अपनी फैमिली की डिमांड पे मैंने बनाया ये बेबी कॉर्न। और अब चलते हैं थोड़ी सी तारीफें बटोरते हैं, देखते हैं कैसा है। बहुत दुखी थे जब मैंने कह दिया आज नहीं बनाते हैं कल बनाते हैं, तो शक्ल देख के मुझे लगा कि बहुत दुखी हो गए, इसलिए हम कहे कि बना ही देते हैं। टेस्ट करके बताइए कैसा है। कलर का टेक्सचर थोड़ा डार्क ज़्यादा लग रहा है मुझे। देखो बेबी कॉर्न खा रहा है, बढ़िया बना, टेस्टी। तो वक्त आ गया आज के ब्लॉग के एंड करने का। अगर आप जो है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया करो क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एक्चुअली कभी कभी होता क्या है ना कि आप वीडियो देख लेते हो और एट द एंड आप लाइक करना ना भूल जाते हो, तो बस वही मेन प्रॉब्लम होती है कि हम भूल जाया करते हैं ना कि लाइक करना है। तो बस रिमेंबर रखना है कि वीडियो देखने के बाद एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है वीडियो बनाने वाले के लिए। तो ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।